देखते हैं। आ भाई जाओ। अरे अब बाबा, लॉइन को तो पल में निपटा दिया इन्होंने। इसका मतलब लॉइन पर अच्छे कारगर साबित हुए हैं ये। हेलो फ्रेंड्स, आज एक नए एपिसोड के साथ हम सामने हाजिर हैं आपके। अब बहुत ही मज़ेदार एपिसोड है ये। है आपका एलिगेटर की मेरे पास पूरी आर्मी है। और देखिए, ये आइलैंड हम पे भारी पड़ता है या हम आइलैंड पे भारी पड़ते हैं ये देखना है। देखिए, मेरी आर्मी आ रही है, बहुत खतरनाक आर्मी है ये। यानी कि जो भी कुछ मिलेगा इन्हें धूल में मिला देंगे ये सब। बहुत ही मज़ेदार इंतजाम होने वाला है भाई। क्या हाँ, कहाँ फंस रहे हो भाई? फंसो नहीं भाई, हमें बहुत तगड़ी फाइट करनी है। जल्दी जल्दी आ जाओ। एक तो इनकी पावर भी होती है, साफ पावर कम भी होती है और ज़्यादा भी होती है। पावर को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पावर को इनकी बचाने के लिए गेम को रिस्टार्ट करेंगे और इनकी पावर फिर से फुल हो जाएगी। अगर पावर कम हो जाए हंगरी पावर, भूख की पावर। अच्छा भाई, यहाँ कोई है? तीन एलिगेटर मिले हैं हमें, तीन एलिगेटर वर्सेस। सब 15 16 17 एलिगेटर होंगे करीब हमारे। और ये आ चुके हैं हमारे एलिगेटर, और ये दूसरे वाले एलिगेटर हम मारने आएंगे और देखते हैं क्या होता है। ठंड लग रही है, लग रहा है ये कुछ करोगे कि पिटोगे? अरे भाई, तुमसे तीन न मार मिलना इतनी देर से। और तीन को मारने के लिए कितना पिट गए हैं? ये है आर्मी, तो इनकी पावर बहुत कम है, इसलिए हम गेम को रिस्टार्ट करके आते हैं दोबारा से। गेम के रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा फिर हाजिर हैं। पावर कम होने की वजह से हमने इसको रिस्टार्ट किया था, क्योंकि हम खाना उनका लेके नहीं आए हैं, ताकि इनकी पावर दोबारा से फुल हो जाए। और गेम रिस्टार्ट होने के बिल्कुल नज़दीक देखिए, सबकी पावर फुल हो गई है। देखिए ये तीनों यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए दो हमारे भी मारे गए हैं, दो हमारे भी शहीद हो गए हैं और तीन वो शहीद हो गए। चलो भाई आ जाओ, मरे हुए को मारे पड़े। अब देखना ये है, क्या ये शेर का मुकाबला कर सकते हैं? ये एलिगेटर आर्मी क्या शेर का मुकाबला कर सकती है? शेर पड़ता है, पहले क्या पड़ता है पता नहीं हमें। फिलहाल मुकाबला तो हम करवाएंगे इनसे, कुछ भी पड़े। आ जाओ भाई पहलवानों। जो भी चीज़ पहले पड़ेगी उससे मुकाबला इनका 100% है।
आ रहे हैं कि पीछे रह गए हैं, कछुए हैं हमारे। हाँ अबे इसको किसने मार दिया भाई? ये है हिप्पोपोटामस। आमतौर पर ये पानी में रहता है। क्या देखें हमारे नन्हे मुन्ने उनका कुछ कर पाते हैं। आय है एक ही मार दिया उसने, बता। अबे ये लड़ नहीं रहे भाई और मेरी काट रहे हैं, बता है? पागलपन की भी हद हो गई। तो बेकार है ये आर्मी, इससे अच्छी तो हम आर्मी बनाते हैं अपनी हिप्पोपोटामस की। कितने बचे हैं हम, कितने लेके आए थे? अब वो देखिए हिप्पोपोटामस इनके पीछे पड़ गया है। हम काफ़ी सारे लेके आए थे, अब तो एरिया से बाहर हो गया है। अब इनको दूसरे डिफ़ॉल्ट मोड में लगाते हैं हम। देखिए कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5, डरे सहमे बेचारे बच्चे, 6 7, 7 बचे हैं। अब हम डिफ़ॉल्ट मोड में लगा देते हैं इन्हें। ये तो पहले से डिफ़ॉल्ट मोड में, डिफॉल्ट। आई ये भी है, तो अब लग गए ये डिफॉल्ट मोड में, सारे ही मारे जाएंगे। मैं लड़ाना चाह रहा था शेर से, इससे अच्छा तो मैं लड़ लूँगा। तो हिप्पोपोटामस पे भी ये बेकार हैं। लाइन पे देखते हैं क्या कारगर सिद्ध होते हैं, साबित होते हैं ये। ज़्यादा नहीं बचे हैं, थोड़े ही बचे हैं। और लाइन का क्या बिगाड़ पाते हैं ये देखते हैं। हाँ भाई जाओ, अरे अब्बा वाह, लाइन को तो पल में निपटा दिया इन्होंने। इसका मतलब लॉइन पर अच्छे कारगर साबित हुए हैं ये। लॉइन में एक पल में लॉइन को निपटा दिया है। शिकारी व शिकार और बहुत सारे एलिगेटर हुए हमारे बेकार। टेक कर लेते हैं सबको। हम कितने लाए थे और कितने रह गए? बहुत ढेर सारे लेके आया था मैं, पूरा फुल करके लेके आया था बैकपैक अपना। तो देखा दोस्तों आपने, ये लाइन पर अच्छे कारगर साबित हो रहे हैं, बजाय हिप्पोपोटामस के या फिर रैनो के। रैनो भी ये नहीं मार पाएंगे रैनो को, और इसको तो बिल्कुल नहीं मार पाएंगे। इससे अच्छा तो मैं मार लूँगा इसे। अब क्या करना है हमें, जितने हमारे क्षतिग्रस्त हो गए उन सब की डेड बॉडी गिननी है। यानी कि स्टार्ट दो, देखो ये पड़े हैं हमारे, 1। इससे ये पता चलेगा कि हम लेके कितने आए थे। यानी ये पोटोमस ने कितने मारे, 2 ये मारे और बाकी ये पड़ी हैं देखिए लास्ट से, 4 ये पड़ी, 6 मारे हैं उसने।
6 और उसके बाद 3 हमारे शायद। ये हमारे पैट क्रोकोडाइल थे, इसको भी हिप्पोपोटामस ने ही मारा है। तीन वहां मरे थे क्रोकोडाइल से, क्रोकोडाइल वर्सेस क्रोकोडाइल कराया था तो 3 वहां भी मारे गए थे और 6 ये मारे गए। 6 7 8 9, 9 तो हमारे मारे गए। अब वहां की डेड बॉडी भी हम मुश्किल से उठा पाएंगे। बेटा बॉडी तो मैं लेके जाऊंगा, चाहे इनको मार के लेके जाऊं, मेरी गिनती तो तभी लगेगी। एक अच्छा ले अपन से पंगा। मैं तो मगर इनसे अच्छे तो हम हैं, एक्सपीरियंस है भैया, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कहाँ लेके जाओगे। अगर इसकी चोंच पर हमें लगा तो ये मुझे ही डैमेज करेगा। तीन को मारने के लिए भाई, अच्छा वो एक मारा नहीं शायद, लेकिन कुल मिला के ये सिद्ध हो गया क्रोकोडाइल बेकार है क्रोकोडाइल के लिए। यानी इतने सारे क्रोकोडाइल मिलकर 3 क्रोकोडाइल को नहीं मार पा रहे, बताओ। नौ क्रोकोडाइल मेरे क्षतिग्रस्त हुए और कितने वापिस आ रहे हैं, 7 7 वापिस आ रहे हैं, यानी 16 लेके गया था मैं। तो हमारी आर्मी जो है शेर से लड़ाने के लिए बेहतर है, भेड़ियों से लड़ाने के लिए बेहतर है, लेकिन क्रोकोडाइल से लड़ाने के लिए बेहतर नहीं है। हिप्पोपोटामस से भी लड़ाने के लिए बेहतर नहीं है। रैनो से तो मैंने नहीं लड़ाया, लेकिन फिर भी उससे लड़ाने के लिए बेहतर नहीं होगी। तो दिन खत्म होने वाला है और हम चले अब अपने होम आइलैंड पे। काफ़ी अच्छा दिन रहा, काफ़ी एक्सपीरियंस भरा दिन रहा। कुछ और नए एक्सपीरियंस करेंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड तक टेक केयर, अपना ख्याल रखना। अगर एक इस एक को मारने के लिए मैं दे दूँ ना तो अभी शायद ही ना मार पाए। टेक केयर, बाय बाय।